Question number 21. Construct a triangle whose base 8 cm and altitude 4 cm. Construct another triangle whose side is 2 by 3 times the corresponding sides of the isosceles triangle. लिखते हैं लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर. सेकेंड, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई ऑफ बी सी कटिंग BC at D. Third number, with D as center, with D as center and radius 4 cm, draw an are cutting XY at A. Fourth number, join AB and AC. Join AB and AC here triangle ABC is isosceles whose base is 8 cm and the altitude is 4 cm. Below BC, draw an acute angle CBX 6 mm along BX, mark their points B1, B2 and B3 such that B1 equal to V1, V2 equal to V2, V3. Seventh number, join CB3. Eighth number, from B2 draw. From B2 draw B2C CV3. Meeting BC at C dash. Ninth number, from C dash draw A dash C dash AC meeting AB in A dash. चलिए इसको draw करते हैं. कंस्ट्रक्शन के लाइन वाइज मैंने बता दिया, पहले ये खींचना है, इसके बाद ये खींचना है. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई बी सी. टोटल अभी मैं खींचूंगा.
एक लाइन खींच लेना है बी सी, जो कि 8 सेंटीमीटर की है। बी सी कोई भी एक लाइन नीचे खींच लेना है किसी भी एंगल पे, और इसको मार्क कर देना है। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर खींचना है यहाँ से, किसी भी पॉइंट से। एक बार इधर से मैं काट देता हूँ, इधर से मैं काट देता हूँ, यहाँ से इधर से मैं काट देता हूँ, इधर से मैं काट देता हूँ, और इसको एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। इसके बाद यहाँ से हम एक एक यूनिट पे दाग लगा लेते हैं, एक एक यूनिट पे, जैसे बी B1, B2, B3। ये खींचने के बाद B3 से किसी भी जगह पे सेट करके इसको खींच लेते हैं, फिर उसी जगह से इसको कट करते हैं। इसे यहाँ कट होगा तो इसको सी से मिला देंगे, और पी से ये लाइन एक्स हो जाएंगे और ये वाई हो जाएंगे। पी से 4 सेंटीमीटर ले लेना है एल्टीट्यूड, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे मिला देना है और यहाँ से मिला देना है। B3 से मैंने मिला दिया है, B2/3 था, 2/3, 2/3 के रेशियो में थे, तो 2/3, तो B2 एंड B3। तो अब हम B2 के लिए खींचेंगे फिर से, B2 के लिए भी यहाँ कटेगा तो B2 के लिए भी खींच लेंगे, और यहाँ से भी हम एक काटेंगे यहाँ पे रख करके, यहाँ से फिर यहाँ पे रख करके, यहाँ पे जस्ट जस्ट यहाँ पे कटेंगे लगभग। तो यहाँ से भी एक खींच लेंगे और ये हो जाएंगे A-, ये C-, इनको कहेंगे D, जो कि सेंटर पे है। बताया गया था डी विथ एक्विट सेंटर रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर ऑफ द कटिंग एक्स वाई एट ए, कटिंग एक्स वाई एट ए, ठीक है। ये एक आपका छोटा ट्रायंगल बन जाएंगे यहाँ पे, इसका रेशियो, और ये एक बड़ा ट्रायंगल बन जाएंगे, इसका रेशियो 2/3 का होगा। काफी आसान है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल खींच लेते हैं और इसका एक टेंजेंट होंगे, ओ
टी, टेंजेंट पे 90 होता है, यहाँ पे 90 होता है, तो वी नो दैट द टेंजेंट टू द सर्कल इज 90 to the radius throughout the point of contact. OPT equal angle OQT equal 90 degree. OPT OQT ये 90 degree and 90 degree. In triangle OPT and triangle OQT, OT equal OT कॉमन, ओटी ओटी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के लिए ओटी है कॉमन. ओपी इक्वल टू ओक्यू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल ट्रायंगल ओपीटी इक्वल टू ट्रायंगल ओक्यूटी 90 degree. ये 90 degree और ये क्या है OPT OQT equal 90 degree. कि ट्रायंगल OPT नोरेंट ट्रायंगल OQT RHS angular criteria RHS coordinate criteria TP equal to TQ CP CT. Hence the length of the tangent drawn from an external point to a circle are equal. एक बार फिर से बता देता हूँ, ट्रायंगल OPT OQT इक्वल 90 डिग्री इन ट्रायंगल OPT एंड OQT, OPT एंड OQT, OT OT दोनों में कॉमन है OT, OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू दोनों रेडियस है, चाहे इधर से रेडियस हो चाहे इधर से रेडियस हो दोनों इक्वल होंगे, OQ OQ OP दोनों दोनों रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल ट्रायंगल ओ पी टी ओ क्यू टी, ओ पी टी ओ क्यू टी दोनों 90 degree हैं, 90 degree हैं, इसलिए तीन कंडीशन हमको पता चल गए, एक तो ये दूसरा ये तीसरा ये, तीन कंडीशन जब पता चलते हैं तो वहाँ पे ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाते हैं, ट्रायंगल कंग्रेंट हो गए, जब कंग्रेंट हो गए टी पी इक्वल टी क्यू तो हो जाएंगे टी पी इक्वल टू टी क्यू जो कि दोनों हमारे टेंजेंट्स हैं, हेयर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द फर्स्ट एम एंड द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज
m2 is to n2, so that the ratio of its mth and nth term is 2m minus 1 to m minus 1. Let sm and sn, let sm and sn be the sum of the first m and n terms of AP. तो रेशियो हमारे m m2 is to n2 है, तो s m divided by s n equal to m2 by n2. इसमें एक फॉर्मूला यूज होंगे जो s n equal to, जो आपको याद होंगे, n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला यूज करना है, चलिए यूज करते हैं. n by 2 2a plus n minus 1 into d divided by n by 2 2a plus n minus 1 into d बराबर m by n2. टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएंगे, टी डिवाइडेड बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन बाई एन. टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, डी into n equal to 2a plus m minus 1 into d into n. N minus 1 into d into m. टू ए एन, इसको और एक्सपेंड कर देना है, प्लस एम एन डी एन डी इक्वल टू टू ए एम प्लस एम एन डी प्लस एम डी. एम डी माइनस एन डी इक्वल टू टू ए एम माइनस 2an यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, m को कॉमन लेना है, हो जाएंगे m माइनस n d d d कॉमन जाएगा, सॉरी d कॉमन जाएगा, 2a m माइनस n d इक्वल 2a. d पता चल गया मेरे को. नाउ द रेशियो ऑफ द mth एंड द nth टर्म इज, नाउ द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज am by a m equal a plus n minus 1 into d a plus n minus 1 into d equal to a plus n minus 1 into 2a a plus n minus 1 into 2a. ये हो जाएंगे आपका a वन प्लस टू एम माइनस टू डिवाइडेड बाई a वन प्लस टू एम माइनस टू इक्वल
2m minus 1 divided by 2n minus 1. The ratio of the mth and the nth term is, yahan pe likh denge, thus the ratio of the mth and nth term is 2n minus 1 is to 2n minus 1. Question number 24. Speed of the boat is still water is 15 km per hour and it goes 30 km upstream and back return at the same point on 4 hours 30 minutes. Find the speed of the stream. Let the speed of stream is x km. Let the speed of stream is x km per hour. Speed of boat in still water. Speed of boat in still water 15 km per hour. Speed in upstream. इसको इधर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम स्पीड इन ऑफ स्ट्रीम इक्वल speed in still water minus speed of stream. जो पानी का speed होंगे उसमें speed of stream घटा देंगे तो speed of upstream निकल जाएंगे जो कि हो जाएंगे 15 minus x किलोमीटर प्रति घंटा. Speed of boat downstream speed in still water plus speed of stream 15 plus x किलोमीटर प्रति घंटा v नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम टेकन अप स्ट्रीम जर्नी upstream journey plus time taken downstream journey is equal to 4 hours 30 minutes. थर्टी बाई 15 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 15 प्लस एक्स इक्वल टू 4.5 घंटा मतलब 30 मिनट 4 आवर्स एंड 30 मिनट 4 आवर्स एंड 30 मिनट 1 बाई 2 इज 30 मिनट डिनोटेड डिस्टेंस बाय स्पीड. तो हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड तो हमारा डिस्टेंस है एक 30 किलोमीटर और स्पीड है एक 15 माइनस एक्स एक 15 प्लस एक्स. एक 15 माइनस एक्स है जो कि अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम 15 प्लस एक्स है. इनको सिंपलीफाई कर देना है
30 को कॉमन लेते हैं, 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स, 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स इक्वल टू 9y2। टू थर्टी कॉमन, 30y 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y2। टू टू फाइव माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 2y 9। खुद आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स बराबर प्लस माइनस 5, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एक्स बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, काफ़ी आसान है। पहले आप स्ट्रीम निकाल लेना है स्पीड, एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेना है, और डिस्टेंस बाय टाइम कर लेना है। डिस्टेंस बाय टाइम पे इनको पुट कर देना है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और टोटल समय जितना रखते हैं टोटल टाइम के इक्वल में, और इसको सिंपलीफाई कर देना है, एक्स बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा।